तुम्हारा तेजस्वी पुत्र शिवान, 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 शिवान। गौरी की ये गैया उत्तर देती सारे, पूछो जो अभी कोई प्रश्न मन में हो तुम्हारे। हमें हमारे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। और हमारे पुत्र के लिए एक नया नाम भी, शिवा। अरे रमा बहन, तुम यहाँ? युवराज के दर्शन करने के लिए हमारा भी मन मचल रहा था। आप आ गई तो हम भी आपके पीछे पीछे चले आए। हमारी बहन है रमा, हम तीन बहनें हैं, रमा, शारदा और हम गौरी। रमा, हम युवराज को बहुत अच्छा नाम दिए हैं, शिवान। अच्छा है ना? बहुत अच्छा नाम है बहन, पर एक नाम हम भी सोच कर आए हैं, हरीश्वर। हरीश्वर कैसा रहेगा? तुम दोनों बहनें यहां हो? अरे शारदा, तुम भी यहाँ? और ये है आपकी तीसरी बहन, है ना? अब इन दोनों ने युवराज को देख लिया तो हम पीछे कैसे रह जाते?
अच्छा शारदा ये बताओ, तुम्हें शिवांश नाम अच्छा लग रहा है या हरीश्वर? बताओ ना। शिवांश का अर्थ तो है भगवान शंकर के अंश, क्योंकि युवराज का जन्म भी तो शिव जी के आशीर्वाद से हुआ है। और रमा बहन, हरीश्वर का अर्थ? हरी तो भगवान विष्णु का नाम है। पर हरी का एक अर्थ और होता है, वानर। तो हरीश्वर का अर्थ हुआ वानरों में सबसे उत्तम। दोनों नाम बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं और कर्णप्रिय हैं। देखो देखो, हमारे युवराज का मुखड़ा तेज से कैसे चमक रहा है। युवराज बहुत बुद्धिमान है, इसलिए इनका नाम वेदांश सबसे अच्छा रहेगा। शिवांश, हरीश्वर, वेदांश, अद्भुत। बहुत ही सुंदर नाम दिए हैं आपने हमारे पुत्र के लिए। मन लुभावन और आनंददायक है ये नाम। इन नामों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि हमें नाम रखना होता तो इन्हीं सुंदर नामों में से ही कोई एक नाम रखते, किंतु हमारे कुल की परंपरा है कि शिशु अपने नाम का चुनाव स्वयं करता है। हम इन नामों को अन्य नामों में सम्मिलित कर देंगे। संभव है युवराज इन्हीं में से कोई नाम चुन ले।